हम लोग देखिए इसमें पिस्टन रिंग न्यू डाल दिए, ठीक है ना, 50 का, तो 50 का रिंग पिस्टन इसमें डाल दिए, पिस्टन भी फिट हो चुका है। यहाँ पे दिखाई देता है ना गुरु के तो घाट दिखाई देता है, देखो नजदीक आओ नजदीक आओ, दिखाओ दिखाई देता है ना यहाँ पे अभी। हाँ तो फिर छापो, हाँ ये कहाँ पे हो गया, ये कार्बेटर हो गया, दूसरा एक कंप्रेसर हो गया, देखिए इधर से साइलेंसर दिखाई देता है ना। तो फ्रेंड देखिए एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक, मतलब साइलेंसर कार्बोरेटर, साइलेंसर कार्बोरेटर, एक ऑयल रिंग देखे यहाँ पे, हम कोशिश करते दिखाने के, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, हमेशा ही मेरा तरीका यही फिटिंग करने का, ठीक है ना। देखिए एक यहाँ पे हो गया कार्बोरेटर, एक साइलेंसर, घूमो मत। तो फिर देखिए ये हो गया, एक यहाँ पे इधर हो गया। तो फिर फटाफट से हम लोग फिट कर लेते, देखिए सब पार्ट्स खुल रहा है, क्लास प्लेट भी हम लोग न्यू डाल दे, क्लास हॉफ्स क्लास सेंटर, देखिए ये उषा का पिस्टन लगे हम लोग, उषा कंपनी का क्लास हॉफ्स क्लास सेंटर पिस्टन, टाइमिंग चेन, वाल्व, क्लास प्लेट, ठीक है ना, चक्का का बेरिंग हो गया। अभी और भी दिखाते, फिर चेन स्पॉकेट भी नया लग गया, ठीक है ना, चेन स्पॉकेट नया लग गया, पीछे वाला ब्रेक सो लग गया, ठीक है ना, इसका बॉडी का भी काम हुआ टोटल। फिरन हम लोग तो फिरन टोटल हम लोग 5000 में कॉन्टैक्ट ले, 5000 में, ठीक है ना। अभी क्या बोले, इतना कैसे हो गया, पीछे वाला ब्रेक सो नया डाल दिए, दो बेरिंग नया डाल दिए, चेन स्पॉकेट नया डाल दिए, रिंग पिस्टन उषा का डाले, फिर उषा का, ठीक है ना, उषा का डाले, इसलिए वॉइस में लगाते हैं, वॉइस में भी अच्छे, मगर दो गाड़ी हम मेरा पास धोखा हो गया, इसलिए मेरा डाउट हो गया, तो शायद वॉइस में थोड़ा 19 आ गया, तो 100%, तो फिर वॉइस में अभी क्वालिटी बहुत निकल गया, वॉइस का पिस्टन रिंग अच्छा था पहले, अभी बहुत सारा चालू माल निकल गया, ठीक है ना, रनिंग में जैसा हीरो का डुप्लीकेट होता है वैसा ही, तो ये हमको सही मिला, तो ढूंढ ढाल के उषा का मिला, बहुत ही पुराना MRP है, इसलिए उषा डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 818 का MRP है, 800 रुपया लिया, 800 रुपया छोड़ा, बोलता है अभी बहुत पुराना माल है, अभी दाम ज़्यादा होगा, तो कोई बात नहीं, मेरे को उषा मिल गया, वही हम खुश हो गया, चलो गॉयज हम इसलिए नहीं लगे, अगर नहीं मिलता तो गॉयज हमको लगाना पड़ता, नहीं तो माहिर का लगाते, मगर उषा धोखा हो गया, दो गाड़ी इसलिए हम लोग डायरेक्ट शॉप हो गया, जो अभी गॉयज में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, इसलिए उषा का डाल दे, एकदम कोई 90% गारंटी देकर चलेगा, ये गाड़ी अभी टांग चलेगा, ठीक है ना, हम लोग रिंग पिस्टन डाल दे, जैसा मेरा तरीका है, कंप्रेसर टॉप टू दे दिया अभी इसमें कार्बोरेटर में, और टॉप वन कंप्रेसर साइलेंसर में, कभी कभी स्प्लेंडर में ऊपर भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलता है, वेल्डिंग दे दिया एक इधर, ठीक है ना, मेरा तरीका ये है, अभी आप लोग का जैसा तरीका वैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तरीका है, तो यहाँ पे डाल देते इंजन ऑयल, चलो भाई इंजन ऑयल डाल दे, ताकि रिंग ना घूमे, सही जगह में बैठा रहे, थोड़ा सा घूमने से भी अभी नहीं घूमेगा, ठीक, तो साइड विड में लगा दे, ताकि इसका समय, अभी ये हो गया सिलेंडर, इसमें भी डाल दे, और बोरिंग भी हम सही किए, ऐसा किया ना ही टाइट ना ही फिर, मतलब जैसा ना भी वैसा ही, तो फिर हम लोग फटाफट से फिट कर लेते, इधर का सामान किला सेंटर हॉफ सब बदल दिए, तो अभी फटाफट से हम लोग फिट कर लेते इसको, ठीक है ना, फिर तो फटाफट से अभी सिलेंडर को फिट कर लेते, ठीक है, तो फिर हम धीरे धीरे अभी बैठा लेते, ठीक है ना, अरे भाई फंस जाओ, तो फिर आदमी कम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दो आदमी, ठीक है ना, तो आदमी दो था, मगर वो लोग घर में निकल गया, बोलता है काम है, इसी का तबीयत खराब हो गया, चलो दो आदमी रहने से सही होता है, फिर एक आदमी से हो जाता है, मगर वीडियो बनाने से दिक्कत होता है, नहीं तो अगर वीडियो नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेला इंजन उंजन सब कर लेते थे, पहले करते थे ना, मेरे को सब हेवी थे, कोई दिक्कत नहीं, टाइमिंग से ना गया इधर, मगर वीडियो का चक्कर में थोड़ा दिक्कत होता है, तो फिर आदमी कम होने का कारण बहुत ही दिक्कत होता है, अभी रनिंग कम आ गया था, चेन टाटे गाड़ी का इंजन और भी बदल दे, थोड़ा टाइम लग गया, तो ये सब फिट करने में टाइम नहीं लगेगा, करीब 15 से 16 मिनट में, 15-20 मिनट, हार्डली 20 मिनट में गाड़ी कंप्लीट कर दें, 15 से 20 मिनट में गाड़ी हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, तो फटाफट से हम लोग फंसाए थे, इसमें रेसी बॉन्ड डाल दें, एक किसी में इसमें भी रेसी बॉन्ड डाल दें, हम लोग भाल भी नया डाल दें, ठीक है ना, भाल सब नया डाल दें, चलो अभी इसको फंसाते हैं,
तो फैन देखे हेड फट चुका है, ठीक है ना, हेड फट चुका है। अभी हम लोग पलक का सॉकेट को इधर दिया, पलक का सॉकेट इधर, इसको सिर्फ हम लोग काम चलने के लिए फंसा लेंगे, इसमें बाद में हम लोग फंसा लेंगे ताकि टाइमिंग चेन अंदर ना घुसे, ठीक है ना, जब इसमें फंसा दे ताकि टाइमिंग चेन नहीं घुसेगा इसमें। चलो ये खुल लेते, अभी क्लास प्लेट इसलिए खुल ले ताकि यहाँ से हम लोग टाइमिंग देखने में भी सही होगा, इसलिए बाद में सिर्फ चले हम लोग क्लास में। अभी टाइमिंग चेन गिर गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बूस में फंस गया इसलिए फंसा लिए, तो फटाफट से हम लोग कैम फंसा लेते, टाइमिंग मिला लेते, ठीक है ना। फिर तो फिर चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो फटाफट से हम लोग फंसा लेते। तो फिर से रनिंग काम हो गया, देखिए वो गेलेमर अभी थोड़ा काम किए हम लोग गेलेमर का, करीब 10-15 मिनट, इसलिए हम लोग को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर आदमी नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते, बोले जैसे हम वीडियो बनाना शुरू करते काम आ जाता है, आदमी भी कम है इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, नहीं तो अब तक स्टार हो जाता, बहुत टाइम लगेगा काम, हम लोग को कैमरा भी बंद करना पड़ता है कभी कभी, इधर कैमरा का चार्ज भी ख़त्म हो जा रहा है, आदमी कम होने का कारण रनिंग कम आता है तो जाना पड़ता है, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है हम लोग को। तो फटाफट से हम लोग अभी देखे कि हम भी बैठा ले अभी इसको, चलो भाई टाइमिंग से किधर गया, चल जाओ तो हम लोग अभी टाइमिंग भी फटाफट से मिला लेंगे, ठीक है ना, ऐसे भाई टाइमिंग मिला लेते, ठीक है ना। तो फिर इसका टाइमिंग सही एडजस्ट में आ गया, थोड़ा नज़दीक आओ। तो फिर देखे एक घाट यहाँ पे एक घाट यहाँ पे, कहे हम लोग यहाँ पे खुला रखे, यहाँ से सही से मिला लिया अभी, ठीक है ना, इसलिए हम बाद में लगाएंगे। तो फटाफट से हम लोग एलएम के बोल्ट वॉशर देखे फिट कर लेते हैं, इसको टाइट कर लेते, तो फिर छोटा से पकार के टाइट कर लेते, ठीक है ना। फिर तो फ्रेंड टाइमिंग का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया।